हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद योगिता कुमारी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स एंड वर्ब। सो आज तक के जितने भी आपके माइंड में वर्ड्स और वर्ड्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, वो डाउट्स बने हुए हैं ना, आई एम श्योर दैट दे ऑल आर गोइंग टू क्लियर इन आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एट द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, दे हैव ओनली 5 टाइप्स ऑफ रूल्स विच 5 टाइप्स की ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे वर्ड और वर्ड से बनते हैं। ओके, सो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को सुनने के बाद आपके माइंड में से जितने वर्ड वर्ड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट डाउट्स बने हैं, कहाँ यूज़ होता है वर्ड और कहाँ लगता है, किस कैसे सेंटेंसेस में इसको हमने यूज़ करना होता है, वो सब इसी क्लियर होने वाला है। बिकॉज आई हैव रिटन हेयर वन नोट एंड आई हैव रिटन हेयर 5 यूजेज ऑफ वर्ड वर्ड। So without wasting our time, let's get started. Friends, first of all, simple use. What is the mean of the simple use? Simple use ऐसे होते हैं कि जिसमें हमने वोज और वर्ड के साथ ना तो कोई थर्ड फॉर्म लगानी होती, ना तो कोई हमने ing लगानी होती है। नेक्स्ट वोज का तो आपको पता है ई सिंगुलर है एंड वर हमारा प्लुरल होता है। जो भी हमारे सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, उसके साथ हमने वोज का यूज़ करना है। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लुरल, उसके साथ हमने वर का यूज़ करना है। थर्ड थिंग इज दैट हमने बात करी सिंपल यूज़ की। सिंपल यूज़ ऐसे होते हैं जब हमने किसी इंसान के स्टेट की बात करनी है, मतलब वो कहाँ पे है, किस प्लेस पे है, उसकी बात करनी हो, बट किस में, पास्ट में। यहाँ पे हमने वर्ड और वर्ड का यूज़ करना है, तब पास्ट में। पास्ट में हम हमेशा ही वर्ड और वर्ड का यूज़ करेंगे। बट कैसे, जब सिंपल यूज़ का मतलब होता है कि जब हमने पास्ट में जब हम वर्ड और वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमने इसके साथ ना तो कोई ing लगानी है, ना तो हमने ed लगानी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट, सेकंड इज क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, किसी बंदे में कोई यू कैन से क्वालिटी, आप बोलते ना कि यार तेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है। किसी बंदे में कोई क्वालिटी होना, कोई गुण होना, कोई स्किलनेस हो, स्किल होना उसमें, ठीक है। उस केसेस में भी जब हमने पास्ट में ऐसे बंदे की किसी की क्वालिटी बतानी हो, तब भी हमने वर्ड और वर्ड का यूज़ करना होता है। एंड थर्ड वन इज़ अ पोजिशन। सब हमने पास्ट में किसी चीज़ की पोजिशन बतानी हो और उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। सो लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज आई टॉक्ड अबाउट स्टेट। स्टेट क्या बोलती है, ही वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, वो दिल्ली था कल, वो दिल्ली था। तो कल क्या है, हमारा पास्ट में आता है। सो हमने देखा कि पास्ट में ही वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, तो पास्ट में उसकी स्टेट क्या थी, कि वो दिल्ली था, वो कल दिल्ली था। जैसे कि हमने सिंपल यूज में देखा कि इसके साथ हमारे वर्ड और वर्ब के साथ ना तो कोई ing आ रही है, ना तो कोई ed आ रही है। दिस इज़ अ सिंपल यूज जो हम यूज़ करते हैं स्टेट के टाइम पे। थर्ड सेकंड इज ही वाज अ बॉक्सर। तो अब बॉक्सर क्या है, इसकी क्वालिटी है, वो क्या है, क्या था, बॉक्सर था। वो कल दिल्ली था, वो बॉक्सर था। ओके, और वाज है हमारा सिंगुलर बिकॉज वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट हियर। तो बॉक्सर क्या है, यहाँ पे क्वालिटी को बता रहा था और दिल्ली बता रहा था स्टेट को। ओके, एंड थर्ड वन इज अ पोजीशन। पोजीशन कहते हैं किसी चीज की अवस्था, किसी स्टेट इज प्लेस। स्टेट को हमने प्लेस के टाइम पे यूज़ करते हैं, और पोजीशन होती है कि उसकी अवस्था, उस चीज़ की कैसी अवस्था है दैट टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल द मिरर वॉज ब्रोकन। मिरर क्या था, मिरर टूटा हुआ था कब, पास्ट में। तो पास्ट में मिरर की पोजिशन कैसी थी, टूटी हुई, ब्रोकन पोजिशन थी। तो हमने पोजिशन के टाइम पे जब भी हम बात करेंगे पास्ट में, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। गॉट द पॉइंट। सेकेंड यूज इज पास्ट कंटिन्यू। सेकेंड यूज इज पास्ट कंटिन्यू। पास्ट का न्यू ऑल नो कि वर्ड वर्ड लगता है, टेंसेस का रूल है। जहाँ पे हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना था, हेल्पिंग वर्ब, वही वर्ड और वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing इन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, मैं दिल्ली जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, नहा रहा था, ऐसे वाले जितने भी हमारे हंड्रेड ऑप्शन, थाउजेंड ऑफ सेंटेंस होते हैं ना, अपने वर्ड और वर्ड का यूज़ करना होता है। और सिंगुलर के साथ वर्ड लगाओगे, प्लुरल के साथ वर्ड लगाओगे। और जब भी आप पास में कहीं जा रहे हो, जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, नहा रहे थे, ऐसे वाले सेंटेंस आए, तो आपने पास कंटिन्यू का रूल अप्लाई करना था, और इसमें हमने वर्ड और वर्ड का यूज़ करना था। सो दिस इज यूज ऑफ सेकेंड। थर्ड वन इज इन्फिनिटिव। ओके,
सो फ्रेंड्स इन्फिनिटिव क्या था, जब भी आप टू के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो ना इन्फिनिटिव, उस केस में हम क्या उसको क्या बोलते हैं, हम उन सेंटेंसेस को हम इन्फिनिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स लिसन वन थिंग, पे अटेंशन हियर। इस केसेस में क्या होता है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस के लास्ट में होता है जाना था, करना था, पढ़ता था, ओके। बट लिसन, हमने ऐसे भी सुना हुआ है कि मतलब जाना था। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल बोलती हूँ, आई वॉज टू गो, मुझे जाना था, आई वॉज टू प्ले, मुझे खेलना था, आई वॉज टू स्लीप, मुझे सोना था, आई वॉज टू बाथ, मुझे नहाना था, ठीक है। अब हमने ये भी सुना होता कि अब बोलोगे कि यार यहाँ पे तो वॉज और कैसे आ सकता ना, यहाँ पे हमने हैड का यूज़ करना है, ही हैड टू गो, उसको जाना था, ही हैड टू स्लीप, उसे सोना था, ही हैड टू प्ले, उसे खेलना था, है ना, तो हमने हैड का भी यूज़ करना था। बट आप यहाँ पे ये एक नोट करके रख लो अपनी कॉपी पे फ्रेंड, जब भी हमने जोर दे के बात करनी हो ना, आई मीन कि उसको जाना था, मतलब ही हैड टू गो, जब हमने इम्फोसाइज देना हो ना सेंटेंस पे, तब आप हैड का यूज़ करते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट नॉर्मली एंड लाइटली, देन यू यूज़ वॉज। अगर आपने बात को जोर दे के नहीं बोलना हो तब आपने वॉज का यूज़ करना है, अगर आपने बात को जोर दे के बोलना हो तब आपने हैड का यूज़ करना है। जैसे कि उसे जानना था, ही हैड टू गो, और उसी तरह आप नॉर्मली बनाना हो, ही वॉज टू गो, उसे जाना था, ओके। दिस इज़ अ लिटिल बिट यू कैन से डिफरेंस, ओके। सो रूल नंबर फोर्थ, सो फ्रेंड्स रूल नंबर फोर्थ हमें क्या बताता है, पैसिव वॉइस। जब भी हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है सेंटेंसेस, तब आप वॉज वर्ब का यूज़ करते हो। उस केस उन सेंटेंसेस में भी हमने वॉज वर्ब का यूज़ करना था। सो फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड, ये मेरा एक डाउट बना हुआ था कि हमने वॉज वर्ब के साथ आई एन जी लगता है, बिकॉज आई जस्ट रेड ओनली टेंसेस इन टेंसेस, बट आई वॉज नॉट अवेयर दैट टाइम अबाउट वॉइस, की वॉट इज़ वॉइस। वॉइस में भी ऐसा रूल्स आते हैं जब हमने वॉज वर्ब के साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाने थे, तो ये मेरा पहले कंसेप्ट बना हुआ था। तो अब आई दिस क्लियर, इट्स दैट इट माई डाउट हैज बीन क्लियर दैट कि जब भी हमने वो जो वर्ब का पैसिव में यूज़ करते हैं, एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली होती है। जिसका रूल रहेगा सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब वही वो जो वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बीटन, उसे मारा गया था, तो इसमें हमारी हिंदी के, अगर हम हिंदी की बात करें तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें आई उसे मारा गया था, उसे रुलाया गया था, उसे पढ़ाया गया था, उसे सुलाया गया था, उसे खिलाया गया था, तो ऐसे वाले सेंटेंस में गया था जहाँ पे भी आ जाए, हमने देख लेना कि गया था, ये वो इसमें सेंटेंस बने हैं, और इसमें इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया था, ही वॉज आस्क्ड, उसे पूछा गया था, ही वॉज क्राइड, उसे रुलाया गया था। तो हमने ये देखा कि जो हमारे वॉज और वर्ड के सेंटेंस होते हैं, कि जब हमने वॉज और वर्ड वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, और हमने वॉज और वर्ड के साथ बीन लगा देना होता है। सो रूल नंबर लास्ट इज पास्ट कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा पास्ट का जब पैसिव बनाते हैं, ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट का जब हमने पैसिव बनाना है, तब हमने वॉज और वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। लेकिन जब हमने पास्ट कंटिन्यू में, ठीक है, जब हमने उसी सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यू में चेंज किया, पास्ट कंटिन्यू का हमें पता है कि राम जा रहा था, राम वॉज गोइंग, बट जब हमने पास्ट कंटिन्यू का एक्टिव से पैसिव बनाना होता है ना वॉइस में, तब हमने बीइंग का यूज़ करना होता है, इसकी सब्जेक्ट वर्ब की हेल्प में वही वॉज और वर्ड, और उसके साथ हमने बीइंग लगा देना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, सेम वही। फॉर एग्ज़ाम्पल द रोड वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टर, की जो रोड था वो बनाया जा रहा था, उसमें क्या था कि पीटा, उसे पीटा गया, जिसकी ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया, ही वॉज आस्क्ड, उसे पूछा गया, ही वॉज क्राइड, उसे रुलाया गया, तो इसमें होगा जा रहा था, इसमें हम बोलेंगे कि रोड बनाया जा रहा था, जैसे कि आइसक्रीम खाई जा रही थी, द आइसक्रीम वॉज बींग ईटन, पढ़ाया जा रहा था, द स्टडी वॉज ही मतलब पढ़ाया जा रहा था, दे वॉज बींग टीचिंग, ठीक है, हमने टॉट लास्ट में हमने उसके यूज़ करना था।
लास्ट में इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करके पढ़ाया जा रहा था, ही वॉज बींग टॉट, ठीक है। जब भी हमने जा रहा था वाले सेंटेंसेस आएंगे, तब हमने वॉज वर्ब के साथ बींग का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, इसकी यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट का कॉन्स्ट्रक्टर बन गया। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस कंसेप्ट हैज़ बीन क्लियर। फ्रेंड्स, आई एम श्योर दैट द कंसेप्ट रिलेटेड टू वॉज वर्ड हैज बीन क्लियर। सो अगर कोई भी आपको डाउट हो फिर भी वॉज वर्ड से, कोई भी ऐसे सेंटेंस हो जिसमें आपने वॉज वर्ड आ रहा हो एंड यू आर नॉट गेटिंग किस टाइप की वो सेंटेंस बन रहा है, तो आप प्लीज़ फ्रीली विदाउट ईस्टिंग यू कैन आस्क मी फ्रीली इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू आंसर राइट दैट टाइम। सो फ्रेंड्स, वॉज वर्ड से आपसे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बिकॉज आई एम श्योर कि मैंने सभी के सभी कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर लिए हैं। सो विद फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।